जहाँ वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री स्ट्रगल कर रही हैं अपनी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली नवंबर 22 ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन कंट्रोल में कर लिया है। गुड न्यूज़ फॉर सो मेनी पीपल। इस वीडियो में जानेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे कि क्या केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल में कर लेना सफिशिएंट होगा हमारी मैक्सिमम वर्कफोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द मोस्ट नेग्लेक्टेड वंस। अक्टूबर 2022 तक इन्फ्लेशन 6% के नीचे नहीं गया है, लेकिन अक्टूबर 22 ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल शब्दों में बोले तो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस इनकी कीमतें कितनी बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में मेजर किया जाता है विद समथिंग नोन एज CPI। CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेफर्स टू एन एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये बास्केट से फॉर एग्जांपल मेरे केस में इंक्लूड कर रही है राइस, व्हीट और ऑयल। राइस मैं खरीद सकती हूँ 2021 में फॉर 30 रुपीज पर केजी, व्हीट 40 रुपए पर केजी और ऑयल 30 रुपीज पर लीटर। तो ये बास्केट 100 रुपए में आ जाती है। लेकिन 2022 में ही जब ये चीज़ें मैं खरीदने जाती हूँ तो राइस से फॉर एग्जाम्पल हो गया है 35 रुपीज पर केजी, व्हीट हो गया है 40 रुपीज पर केजी एंड ऑयल हो गया है 35 रुपीज पर लीटर। तो 2022 में यही सारी चीज़ें 110 रुपए में आती हैं। तो अगर मुझे CPI कैलकुलेट करना है, मुझे फॉर्मूला लगाना होगा प्राइजेस ऑफ 2022 डिवाइडेड बाय प्राइजेस ऑफ 2021 इनटू 100, दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, ये मुझे देता है 110 का CPI। 110 का CPI का मतलब होता है कि 10% से इन्फ्लेशन हुआ है 2021 से 2022 में। CPI हमारी कंट्री की बास्केट में 299 गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है, जिसमें एजुकेशन, रिक्रिएशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जैसे सारे हेड्स को इंक्लूड किया जाता है। मार्च 2023 तक SBI रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन रेट 5% से कम हो जाएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्राइजेस कम हो जाएंगे, इसका केवल ये मतलब है कि प्राइजेस बढ़ेंगे तो सही, लेकिन कंपैरेटिवली कम स्पीड से बढ़ेंगे। मेरे पिछले एग्जाम्पल में अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि 2022 में जो प्राइस 100 से 110 हो गई थी, अगर 2023 में इन्फ्लेशन 5% रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस 100 से 105 हो जाएगी, इसका केवल ये मतलब है कि प्राइस 110 पे 5% और बढ़ेगी, यानी मेरी प्राइस 115.5 हो जाएगी। मींस प्राइसेस गिर नहीं रही है, बस कम स्पीड से बढ़ रही है। हमारी कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से 94% पॉपुलेशन तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगी हुई है। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सभी एम्प्लॉयज आते हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं जिसमें 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, या फिर इसमें एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग, डोमेस्टिक हेल्पर्स, क्लीनिंग में लगे हुए लोग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाले लोग सभी इंक्लूड होंगे। और जितने भी वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं उनमें से 94% की इनकम तो 10,000 रुपये महीने से कम है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारी कंट्री की पावर्टी लाइन है $2.15। इसका ये मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनकी इनकम है 10,000 रुपये, तो उन्हें हर दिन के खुद के खर्चे के लिए 176 रुपीज़ लगेंगे। अगर मैं मानूं कि वो मिस्टर ए के फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जो मिस्टर ए पे ही डिपेंडेंट है, मतलब वो सारे मेंबर्स नहीं कमाते, सिर्फ उन 5 लोगों में से मिस्टर ए हैं जो अर्निंग मेंबर हैं, तो इन दैट सिचुएशन मिस्टर ए को महीने के खर्चे के लिए चाहिए 176 इंटू 5 पीपल इंटू 30 डेज, यानी 26,400 रुपीज़, जिसके अगेंस्ट मिस्टर ए की इनकम है केवल 10,000 रुपये।
इसका सीधा सा मतलब है कि मिस्टर ए को या तो अपनी पिछली सेविंग्स यूज करनी पड़ेंगी अपने खर्चे को बरकरार रखने के लिए, या फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स कम होंगे क्योंकि वो अब इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनकी इनकम तो इंडेक्स होती ही नहीं है एज पर इन्फ्लेशन, यानी उनकी इनकम तो बढ़ती ही नहीं है जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर इन सभी लोगों के कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी किया जाए तो इन सभी की इनकम का मैक्सिमम हिस्सा चला जाता है टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ एसेंशियल्स, फूड, फ्यूल, ये सब चीज़ों पे इनका खर्चा मैक्सिमम रहता है। तो गवर्नमेंट की अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सारी चीज़ों की प्राइसेस एक लिमिट से बियॉन्ड ना बढ़े। हमारी गवर्नमेंट डेफिनेटली सक्सेसफुल रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, एंड इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर सो मेनी पीपल। 2022 में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। फ्यूल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट करी पेट्रोल पे 8 रुपये पर लीटर से और डीजल में 6 रुपये पर लीटर से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 1,00,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कंट्रोल में आने लग गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वेजिटेबल की प्राइजेस, फ्रूट्स की प्राइजेस कंट्रोल में आ गई और फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आया। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ क्रूड सनफ्लावर ऑयल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स ऑफ 20,00,000 टन्स। गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट पे कैपिंग कर दी और व्हीट का एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, और क्योंकि ग्लोबली फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ती ही जा रही थी उसे कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने फर्दर फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करी ऑफ 1.1 लाख करोड़। मगर क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाना सफिशिएंट होगा इन वर्कर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? शायद नहीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करता है अबाउट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी है क्या? वो प्रोटेक्शन जो सोसाइटी या गवर्नमेंट हमें देती है, हमारी फैमिली को देती है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करके या इनकम गारंटी करके, भले ही वो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। कन्वेंशन नंबर 102 ऑफ ILO प्रोवाइड्स 9 रूट्स फॉर साउंड सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। ये 9 रूट्स हैं जिनकी मदद से एक अच्छा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बन सकता है। ये 9 रूट्स हैं मेडिकल केयर, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, मेटर्निटी, चिल्ड्रन या फैमिली, डिसेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, सर्वाइवर्स एंड ओल्ड एज। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अचीव करना पॉसिबल भी है। इसके लिए हम स्टडी करेंगे 3 हेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी, कॉस्ट एंड कोड। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये होगा कैसे? इसके लिए ये सभी वर्कर्स का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है आधार लिंकेज के थ्रू। लेकिन हम करंट स्टेटस की बात करें तो 26 अगस्त 2021 को हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काउंट है जो अप्रॉक्सीमेटली 43 करोड़ है, उनमें से केवल 28 करोड़ पॉपुलेशन ही अभी तक रजिस्टर हो पाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट हेड है कॉस्ट। क्या गवर्नमेंट के लिए इतना खर्चा अफोर्ड कर पाना पॉसिबल भी है? द वायर की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर बॉटम 20% पुअर को कवर करना है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने हैं, तो टोटल 1.37 ट्रिलियन रुपीस खर्च करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जो उनके GDP का केवल 0.69% है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से 2019-20 में जो खर्चा किया गया है सोशल इंश्योरेंस पे, वो टोटल खर्चा है 19,000 करोड़ रुपये, जिसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर पे खर्चा हुआ है 18,000 करोड़ रुपए। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी, उनके इंश्योरेंस की सिचुएशन अभी भी काफ़ी पुअर है। तीसरा इंपॉर्टेंट हेड है लॉ या कोड। क्या ऐसे कोई कोड की ज़रूरत है जिसके थ्रू ये सारे बेनिफिट्स इन वर्कर्स तक पहुँच पाएँ? हाँ, सोशल सिक्योरिटी कोड लाने की ज़रूरत है इन सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। अगर हमारे करंट पोजीशन की बात करें तो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी कोड ऑलरेडी पास कर चुकी है 2020 में, लेकिन अभी 2023 तक भी ये कोड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऑल्दो इस कोड में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है या कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। हाउएवर, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। वी कैन जस्ट होप कि हमारी गवर्नमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए
एक मेजर स्टेप ले, क्योंकि ये वर्कर 65% जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं और उसके अगेंस्ट ये काफी छोटा शेयर मांग रहे हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए।